दुनिया की नज़रों में तालिबान आया अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद। जब ओसामा बिन लादेन 11 सितंबर 2001 की आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था, तब तालिबान ने ही उसे पना दे रखी थी। अफगानिस्तान की जमीन को दशकों से जंग का मैदान बनाकर रखने वाले तालिबान ने खौफनाक ताकत हासिल कर ली है। तालिबान का उदय वर्ष 1990 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ, जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी। इसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के कंधार शहर को अपना पहला केंद्र बनाया। इसी मुजाहिदीन का कमांडर बना पश्तून आदिवासी समुदाय का सदस्य मुल्ला मोहम्मद उमर। उमर ने आगे चलकर तालिबान की स्थापना की। तालिबान शब्द का पश्तून में मतलब होता है छात्र, और इससे संगठन के सदस्यों की ओर इशारा किया जा रहा था, जिन्हें उमर का छात्र माना है। 1994 में उमर ने इसी कंधार में तालिबान को बनाया था। सितंबर 1995 में इन्होंने ईरान से लगे हेरात पर कब्जा किया, और फिर अगले साल 1996 के दौरान कंधार को अपने कंट्रोल में लिया और राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को कुर्सी से हटा दिया। रब्बानी अफगानिस्तान मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने सोवियत ताकत का विरोध किया था। साल 1998 तक करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज था। पिछले साल फरवरी में अमेरिका और तालिबान ने ऐतिहासिक समझौता किया, जिसमें अमेरिकी सेना को 14 दिन में अफगानिस्तान छोड़कर जाना था। इसके अलावा उसे अलकायदा जैसे संगठनों को पनाह देना खत्म करना था। तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच जंग खत्म करने के लिए बातचीत होनी थी, जिसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका। तालिबान आतंकियों से संपर्क खत्म करने का वादा भी नहीं निभा सका। अब अमेरिकी सेना के देश छोड़ने के साथ ही तालिबान की क्रूरता अपने चरम पर पहुंचने लगी है। जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट ऑफिसर्स को टारगेट करके मारा जा रहा है। शुरुआत में अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान का स्वागत और समर्थन भी किया। इसे मौजूदा अव्यवस्था के समाधान के रूप में देखा गया। फिर धीरे धीरे कड़े इस्लामिक नियम लागू किए जाने लगे। चोरी से लेकर हत्या तक के दोषियों को सरेआम मौत की सजा दी जाने लगी। समय के साथ रूढ़िवादी कट्टरपंथी नियम थोपे जाने लगे। टीवी और म्यूजिक बैन कर दिया गया। लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया। महिलाओं पर बुरखा पहनने का दबाव बनाया जाने लगा। तालिबान ने शरिया कानून के मुताबिक अफगानी पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुरखा पहनने का फरमान जारी कर दिया था। तालिबान ने 1996 में शासन में आने के बाद कड़े कानून बनाए। इन कानूनों ने सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रभावित किया। टीवी म्यूजिक सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई। 10 साल की उम्र के बाद लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी थी। अफगानी महिला को नौकरी करने की इजाजत नहीं दी जाती। लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना बाहर निकलने पर महिला का बहिष्कार कर दिया जाता था। पुरुष डॉक्टर द्वारा चेकअप कराने पर महिला और लड़की का बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ महिलाओं पर नर्स और डॉक्टर बनने पर पाबंदी थी। तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को निर्दयता से पीटा और मारा जाएगा। अमेरिकन मैगजीन वॉशिंगटन एग्जामिनर ने थर्सडे की पब्लिश रिपोर्ट में बताया गया है कि दानिश सिद्दीकी की कंधार शहर के स्पिन बुल्दक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच संघर्ष को कवर करते समय मौत हुई थी। उस समय वो अफगान नेशनल आर्मी टीम के साथ स्पिन बुल्दक क्षेत्र की यात्रा पर थे। उनका उद्देश्य पाकिस्तान के साथ लगे सीमा क्रॉसिंग पर नियंत्रण के लिए अफगान बलों और तालिबान के बीच चल रही जंग को कवर करना था।
बीबीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तालिबान आज पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। अब इसमें 85,000 लड़के शामिल हैं। अफगानिस्तान का कितना हिस्सा पूरी तरह से उनके हाथ में है ये बताना मुश्किल है, पर वो 20-30% तक हो सकता है। करीब 20 साल तक की जंग के बाद अमेरिका जैसी महाशक्ति ने भी अपने हाथ वापस खींच लिए हैं। मुमकिन है कि तालिबान इसे अपनी जीत समझ रहा है, तभी ताबड़तोड़ हिंसा मचाई जा रहा है।